मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा वक्त था कि अरब ताजर, मुसलमान ताजर जब मलेशिया और इंडोनेशिया गए तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के, मुसलमानों के ताजरों की सच्चाई देख के, सादिक और अमीन ताजरों ने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया। याद रखे, मुसलमानों ने फतह नहीं किया था मलेशिया और इंडोनेशिया, मुसलमानों का कैरेक्टर ताजा किया था। मैं वो चाहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। शबाज शरीफ, मैं चाहता हूं पेशावर जरा गौर से, क्योंकि आज मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है आपको। आज आप ये जलसा पूरी तरह आपकी तरबियत भी होगी और आप एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, फिर से मैं जो आपको कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम एक खुददार गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। अच्छा, आप देखो जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखे इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अरसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। क्यों पेशावर, सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो?